standard 11 subject English unit 4 read 2. We have completed read 1. Okay, unit 4 का read 1 हमने complete कर दिया है. आज हम read 2 start कर रहे हैं, जिसका topic है योग for health, यानी कि तंदुरुस्ती के लिए योग. तो इस session में हम यही देखेंगे कि हमारी तंदुरुस्ती के लिए योग कितना important है, कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. टेक्स्ट बुक निकाल लो आप लोग. पेज नंबर कहाँ गया? पेज नंबर क्या बात है, पेज नंबर भी दिखाई दे रहा है. ओके, होगा, चलो कट गया होगा शायद. यूनिट 4 रीड 2 निकालो आप लोग. मिल गया 41, पेज नंबर 41. सो लेट्स स्टार्ट. योग इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट साइंस ऑफ इंडिया. जो योग है ये भारत का सबसे ज्यादा जो प्राचीन जितने भी साइंस है, जो विज्ञान है, उसमें से एक है. इट ऑफर्स अ टाइम ट्रस्टेड टेक्निक फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. ओके, तो ये जो योग है वो क्या है? टाइम ट्रस्टेड, मतलब इसमें समय लगता है. ये ऐसी पद्धति है, ये ऐसी टेक्निक है, तकनीकी है, जिसमें समय लगता है, लेकिन आपको फिजिकली, मेंटली यानी कि फिजिकली यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक आपका विकास होता है. धीरे धीरे होगा बट होगा. इट कंस्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ यानी मानवीय जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू का निर्माण करता है. इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी महत्वपूर्ण, और एस्पेक्ट यानी पहलू, बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू का निर्माण करता है. इट कंसिडर्ड टू बी अ साइंस, यह एक विज्ञान के रूप में जाना जाता है. As ancient as the human race. एक तो ये कैसा है? विज्ञान के रूप में इसे जाना जाता है योग को, और ये उतना ही प्राचीन है जितना के मनुष्य के अस्तित्व, यानी कि मनुष्य जब से इस धरती पे आए हैं तब से योग है. ओके, ऐसा कहा जाता है. योग has capacity to bring out fundamental transformation in the individual. तो योग के अंदर ऐसी क्षमता है कि जो क्या कर सकती है, जो इंसान है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, कोई भी इंसान, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत कोई भी इंसान है, उसके अंदर जो मूलभूत जो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, और फंडामेंटल यानी मूलभूत, तो उसके अंदर इतनी क्षमता है कि किसी भी इंसान के अंदर मूलभूत परिवर्तन ला सकती है. ओके, योग इज अ होलिस्टिक एक्सरसाइज दैट प्रोवाइड्स फिजिकल, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स. तो योग कैसा है? बहुत ही होलिस्टिक यानी कि पवित्र एक्सरसाइज है. दैट प्रोवाइड्स, जो क्या उपलब्ध कराती है, क्या सुविधा देती है? फिजिकल, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल बेनिफिट. तो ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देती है. बेनिफिट यानी कि लाभ. इट प्रोवाइड्स वर्कआउट फॉर द मसल्स. ये क्या करती है, क्या उपलब्ध कराती है? जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे स्नायु हैं, उन्हें वर्कआउट यानी कि उन्हें एक प्रकार की एक्सरसाइज प्रदान करवाती, कसरत प्रदान करवाती है. इट ऑल्सो बेनिफिट्स जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड स्केलेटन सिस्टम बाय इम्प्रूविंग फ्लेक्सीबिलिटी एंड बैलेंस. तो ये क्या करवाती है, किसी और क्या बेनिफिट देती है? जॉइंट्स यानी जो भी हमारे जॉइंट्स है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर, यहाँ पर, पैर में, सब जगह जो भी जॉइंट्स हैं, ओके, जो संधि है उसे फायदा पहुंचाती है. लिगामेंट्स यानी कि जो भी स्नायु है उसे भी फायदा पहुंचाती है. स्केलेटन सिस्टम यानी कि जो हमारा हाड़ पिंजर है वो बाय इम्प्रूविंग किस प्रकार से फायदा देती है, फायदा पहुंचाती है. फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, बैलेंस यानी संतुलन, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन. तो हमारे संधियों को, स्नायुओं को, और हमारा जो हार्ट पिंजर है उसे क्या प्रदान करती है? उसे लचीला बनाती है और उसे संतुलित करती है.
इट इज गुड फॉर हार्ट एंड स्टिमुलेट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि रुधिराभिसरण तंत्र। तो क्या करती है ये हमारे हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए यानी कि हमारे हार्ट के लिए तो अच्छी है ही, गुड फॉर हार्ट एंड स्टिमुलेट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और हमारे रुधिराभिसरण तंत्र जो है उसे क्या करती है, सक्रिय करती है। इट ऑक्सीजनेट द ब्लड, ब्लड को यानी कि रक्त को क्या पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है एंड हेल्प स्ट्रेंथन द हार्ट। और हमारे हार्ट को, हमारे दिल को क्या करती है, मजबूत बनाने में भी मदद करती है। कौन मदद करता है भाई, योग मदद करता है। जहाँ पर भी इट दिया है ना, यानी योग की ही बात कर रहे हैं। इट इज अ गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यानी कि पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है। द नर्वस सिस्टम यानी कि चेता तंत्र के लिए एंड सपोर्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारे श्वसन तंत्र को भी क्या मदद पहुंचाता है। इट इनेबल्स द वेरियस इंडोक्रिनल ग्लैंड्स टू फंक्शन प्रॉपरली। तो ये क्या करता है, जो इंडोक्रिनल ग्लैंड्स है यानी कि अंतःस्रावी जो भी रक्त स्राव है उसे क्या करता है, सही तरीके से क्या करता है, कार्यक्षम बनाता है एंड रिड्यूसेस टेंशन एंड एनेक्सिटी, यानी कि आपका जो तनाव है और जो चिंता है उसे कम करता है। रिड्यूस यानी कि कम करना, ओके, एनेक्सिटी यानी कि तनाव। इफ यू सफर फॉर इंसोमनिया, अगर आपको अनिद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आती है रात के समय में, योग विल हेल्प यू स्लीप वेल। तो ये जो योग है ये आपको मदद करेगा ताकि आप सही तरीके से सो पाओ। Thus, योग इज यूजफुल इन मैनी साइकोफिजिकल एलिमेंट। तो जो इस प्रकार से देखा जाए तो जो योग है वो हमारे मानसिक और शारीरिक जो भी बीमारी है उन सभी को हील करने में, सही करने में क्या है, उपयोगी है। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी हम इतना ही रखते हैं योग के बारे में, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हम इसमें आगे सूर्य नमस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ओके फिलहाल इतना ट्रांजिशन कर लेना है आपको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।